नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज पुरोहित का कहना है कि असम की तरह मुंबई में भी एनआरसी होना चाहिए। मुंबई में भी बहुत से बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं और कुछ लोग उन्हें मदद कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी एनआरसी कर उनका पता लगाया जाना चाहिए और जो लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें वापस भेजना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राजेश शर्मा का मानना है कि असम की तरह मुंबई में एनआरसी की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बांग्लादेशी यहाँ अवैध रूप से रहते हैं तो उन पर पुलिस कार्रवाई करती है, यह इतना बड़ा मसला नहीं है कि यहाँ एनआरसी कराने की जरूरत हो। इस बारे में खबरदार डिजिटल मीडिया ने उनसे बात कर उनकी प्रतिक्रिया ली। आपका क्या कहना है सर? नहीं, ऐसा है कि मेरा इस पर मानना नहीं, क्योंकि साबित करना चाहिए कि कहाँ पे है बांग्लादेशी। ऐसे ही बोल के माहौल बिगाड़ के मतलब नहीं है, ये माहौल बिगाड़ने का काम है। साबित करे ना कहाँ पे है, साबित करे और फिर कुछ कर ले। तो सब ये प्रॉब्लम खड़ा कर देना जो यहाँ 200 साल 300 साल से जिनकी पीढ़ी है, कल बोलेंगे वो सब भी बांग्लादेशी। जैसे आसाम में लिस्ट निकला फकरुद्दीन अहमद और सब के, तो ये गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। आप साबित करो और उसका इंक्वायरी करो। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? नहीं, ये एनआरसी बहुत बड़ा काम होता है और बड़े लेवल पे किया जाता है। देश के सामने बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई आसाम में। देखिए, घुसपैठी जो है उनको शरण देना ही नहीं चाहिए, बराबर? हेलो जी। लेकिन ये पहले ये तो बताओ कौन है घुसपैठी, ऐसी खाली हवा में बोल देना तो ये आपको कम से कम दो चार उदाहरण तो देने चाहिए ना, ये घुसपैठी है कि नहीं? हाँ हाँ, कि पूरे समाज को बदनाम करना है। अच्छा, तो मुंबई में ऐसी जरूरत नहीं है एनआरसी कराने की? अगर घुसपैठी है तो उनको जरूर निकालना चाहिए, लेकिन पहले साबित करो कि कहाँ पे है कि नहीं। हाँ, दो चार तो आपको एविडेंस देने चाहिए कि ये घुसपैठी है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, और वो तो पुलिस कार्रवाई करती है ना बीच बीच में बांग्लादेशियों को। सवाल ही नहीं, अगर कोई मिला कभी आया तो कार्रवाई तो, आज अमेरिका में भी आप चले जाओ और अगर आपका वीजा खत्म हुआ तो आप पर कार्रवाई होती है, आप समझे कि नहीं? यहाँ तो उसमें कोई सवाल ही नहीं, कोई शक ही नहीं, लेकिन पहले साबित तो करो, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ हाँ, लेकिन असम में जो एनआरसी हुआ सर, वो 40 लाख लोग जो इनके नाम नहीं है नागरिकता उनकी, जाने का खतरा, खाली बकवास है। ये खाली इलेक्शन एजेंडा है, इतने साल तक उनको नहीं मालूम पड़ा, लास्ट जब भी मालूम पड़ रहा है। हाँ, ये बताइए मुझे, आसाम में गवर्नमेंट आके 2014 सरकार अभी तक नहीं, अब हर मोर्चे पे फेल जा रहे, महंगाई बेकारी हर मोर्चे पे फेल जा रहे, तो अब ये मोर्चा लागू कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लोग महंगाई और उससे त्रस्त है। 2019 में सरकार जाएगी, लेकिन अब रहेगा कि एक एक एजेंडा ला रहे लोगों को भ्रमित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश शर्मा जी। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।